नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां नए साल में लग सकता है बिजली बिल का झटका। नए साल में महंगी हो सकती है बिजली। बिजली कंपनी ने 3.68% दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। MPERC ने 22 जनवरी तक सुझाव आपत्तियां मांगी। 29 से 31 जनवरी तक सुनवाई होगी। बता दें 151 यूनिट ही उच्चतम स्लैब होगा। 151 से 300 यूनिट का स्लैब खत्म होगा। तो नए साल में बिजली महंगी हो सकती है, तो आम जनता को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, नए साल की शुरुआत हो रही है, लेकिन नए साल में बिजली का बड़ा झटका लग सकता है क्या? अलीशा, बात की जाए तो बिजली कंपनियों की तरफ से दो फैसले लिए गए हैं, और अब विद्युत विनियामक आयोग को यह फैसला लेना है कि क्या बिजली कंपनियों ने जो मांग करी है वो पूरी की जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में बात की जाए तो विद्युत नियामक आयोग ही आखिरी और अंतिम फैसला लेता है बिजली की दरों को लेकर। बिजली कंपनियां लंबे समय से बिजली के दर बढ़ाने की मांग कर रही है, और लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव थे तो इसको लेकर ये कह सकते हैं कि विद्युत नियामक आयोग की तरफ से भी कुछ भी फैसला इन सब चीज़ों को लेकर नहीं लिया जा रहा था। और बिजली कंपनी बार बार ये कह रही थी कि जिस दर में वो बिजली आम जनता को दे रही है उसके कारण उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच अब दो चीज़ें निकल कर सामने आई है बिजली कंपनियों की तरफ से। एक तो यह है कि बिजली के दर करीब 3.5 रुपए से ज्यादा, यानी करीब बताया जा रहा 3.86% तक ये बढ़ाने की बात की जा रही है कि बिजली कंपनियों की तरफ से कि इतना दर बढ़ना चाहिए बिजली के ऊपर। इसके साथ साथ एक चीज और है, मध्य प्रदेश में 100 रुपए 100 यूनिट बिजली मिलती है, और इसके साथ साथ हर 150 रुपए का स्लैब अलग है, 150 यूनिट का स्लैब अलग है, 200 यूनिट का स्लैब अलग है, और इसे 250 का स्लैब अलग है और 300 का अलग है। तो अब जो बिजली कंपनियों की तरफ से मांग अलीशा ये की गई है कि 150 से 300 के बीच में जो यूनिट की दर लगती थी करीब 5.23% जो लगता था, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 6.5 रुपए लगना चाहिए, यानी 150 से 300 के बीच का जो स्लैब था उसको खत्म करने की मांग की गई है। अब विद्युत नियामक आयोग ने जो चीजें बिजली कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये दर बढ़ाया जाए, तो अब विद्युत नियामक आयोग से दावे आपत्ति मंगाए जाते हैं। ये नियम है मध्य प्रदेश में, बिजली के दर बढ़ने से पहले बकायदा इसको लेकर दावे आपत्ति मंगवाए जाएंगे। 22 जनवरी तक के सुझाव लिए जाएंगे, फिर 29 से 31 जनवरी तक के बाद की जाए तो इसको लेकर सुनवाई होगी, और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में आम जनता को बिजली की झटका लग रहा है या नहीं लग रहा। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं अलीशा, ये तय मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की जनता को बिजली का झटका लगने वाला है, और महंगाई की एक और मार 2024 में मिलने वाली है नए साल के तोहफे के तौर पर। बिल्कुल, महंगाई की मार जो है अब जनता पर पड़ सकती है, क्योंकि बिजली कंपनी अब बिल बढ़ा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए शब्बीर।